बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमने इंग्लिश को स्टार्ट करना है। इंग्लिश की ये मैंने कंप्लीट नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि हमें पूरी बुक के कम्प्लीट ही नोट्स सेंड कर दें एक दफ़ा, ताकि हम इसको प्रिंट आउट कर लें और इसको हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे डे वाइज ही। हम इसको टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने नोट्स आपको सारे सेंड कर दिए थे, ताकि अगर आपने प्रिंट भी करवाने हैं तो आप करवा लें। तो इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, वो आपके पास सिलेबस के दो पार्ट्स हैं। आपके पास इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और एक आपके पास इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट है। इंग्लिश वोकैबुलरी जस्ट हमने पास पेपर ही करने होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी पे इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें आपके पास सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस वगैरह हैं, प्रोवर्ब्स हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपके पास 2019 से लेकर 2024 तक जो आपके पास पेपर्स हैं वो नीचे मैंने आपको दे दिए हैं, वो इंशाल्लाह ताला वही हमने याद करना है। और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के आपके पास ये जो ना, ये आपके पास 8 टॉपिक्स होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट इंडायरेक्शन यानी कि नरेशन, और कंडीशनल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें एक हम साथ करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी साथ इसमें इसमें इंशाल्लाह एडिशन कर लेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस होगा। तो ये सारी फाइल मैंने आपको भेज दी है, 66 पेजेस की ये फाइल है। अगर ये 66 पेज आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला इंग्लिश का आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपके पास वोकैबुलरी लिखी हुई है, ठीक है जी। ये वोकैबुलरी है सारी की सारी, ये सारे पास्ट पेपर्स का आंसर है, इसमें किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन नहीं है। ये सारे सिर्फ पास्ट पेपर्स में से ही जो आपके सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, प्रोवर्ब्स वगैरह आए हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो अभी इनको सिर्फ हमने याद ही करना है। इंशाल्लाह ताला इनको भी वन बाई वन करके हम याद करेंगे। तो उसके बाद आपके पास ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट आता जी। इंग्लिश ग्रामर में भी इंशाल्लाह हम जो है ना डेली पे एक एक टॉपिक ही करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करना है ऐसे टॉपिक्स को, हमने स्टार्ट करना है जिसको जो पेपर में लाजमी जिसका क्वेश्चन आना होता है, ठीक है जी। हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जिन टॉपिक्स का पेपर में लाजमी क्वेश्चन आना है, जिनको वो कभी भी मिस नहीं करता PPSC और FPSC वाला, वो वाला टॉपिक्स हम इसको ना इस तरह से करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो पहले करेंगे। तो आज हम करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है जी। आज करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे जी आपके एक्टिव एंड पैसिव वाइज, उसके बाद आपके नरेशन कर लेंगे, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद फिर एंड पे जो है ना, आप जो है ना, ये है तो चले थोड़ा सा उलट काम हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करने चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो चूंकि वो हर दफ़ा पेपर में नहीं पूछता, तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पहले करेंगे, ठीक है जी। तो एंड पे फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना करेक्ट जो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दूंगा, अदरवाइज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद भी पढ़ें तो ये आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल ही आसान आसान चीज़ें होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने 8 के 8 लिखे हुए हैं आपके, इसको अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इनकी समझ आ जाएगी, मसला कोई नहीं इसका होता, बिल्कुल आसान चीज़ होती है। तो बाकी जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो आपको डे बाई डे इंशाल्लाह ताला एक एक करके मैं करवा देता हूँ। तो आज हमने करना है करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल आपके पास जो होते हैं ना जी, ये आपने मोटा मोटा सा हिसाब से याद रखना होता है, इसमें इतनी जो ना आपको जो रॉकेट साइंस या इतने कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपने जो दो चार चीज़ें जो आपने बेसिकली चीज़ें क्लियर करनी होती हैं वही कर लें, वही आपने याद करनी है और आपका पेपर में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल से मतलब होता है ए एन और द, ए एन और द, इसको द भी पढ़ते हैं, कुछ दी भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। दी होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है, द कहाँ पे यूज़ होता है, वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। वैसे वो होता है जी कॉन्सोनेंट और वर्ड्स की उनकी आवाज़ के हवाले से लिखा होता है ना, इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन, ठीक है जी। जब वर्ड से पहले आएगा तो दी आएगा, जब कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो वो आपका द आएगा, दी एंड ऑफ द सेशन इस तरह होता है। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो ये ए एन और द, ये आपके पास तीन आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ होने हैं और कैसे कैसे यूज़ होने हैं, किस कहाँ पे आपका ए यूज़ होगा, कहाँ पे एन यूज़ होगा, कहाँ पे दा यूज़ होगा, कहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार पूछता है। असल मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि बच्चों ने आम तौर पे बचपन से ये पढ़ा होता है जी ए ई आई ओ यू, ये आपके पास वाउल्स हैं या वावल्स हैं, इनके इनसे पहले आपने एन यूज़ करना है, बाकी आपने ए यूज़ करना है। यही कंसेप्ट सबसे बड़ा और सबसे गलत कंसेप्ट होता है, सबसे गलत कंसेप्ट ये होता है। अगर आपने भी ये कंसेप्ट याद किया हुआ तो इसको सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें, जब तक ये वाला कंसेप्ट आप नहीं भूलेंगे तब तक आपको ये यूज़ ऑफ आर्टिकल क्लियर नहीं होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आपके आर्टिकल की क्या डेफिनेशन है जी। द वर्ड्स ए एन आर दार कार्ड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यूज बिफोर कॉमन नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है जी। कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आपने क्या करना होता है, आपने आर्टिकल का यूज़ करना होता है। आर्टिकल इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर, इसको डिटर्मिनर भी हम कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आर्टिकल आर यूज विद नाउन्स आर प्रोनाउन्स ओनली,
सिर्फ नाउंस या प्रोनाउंस के साथ, किसी चीज़ के नाम के साथ आपने यूज़ करने हैं, किसी एडजेक्टिव वगैरह के साथ आप आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, आई वेंट टू द लाहौर, ये गलत है। आपने क्या करना है, सिर्फ कॉमन नाउन के साथ यूज़ करना है, प्रॉपर नाउन के साथ इसको यूज़ नहीं करना। आई वेंट टू लाहौर, ये आपका ठीक होगा, ये रंग लिखा हो, ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद जी, इट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि हमने आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ नाउन के साथ यूज़ होता है, ये इंटेलिजेंट किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये उसकी सिफ्त है, यानी कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हमने जो आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता, ये गलत है। ही इज़ इंटेलिजेंट, ये ठीक है, ठीक है जी। अगर लिखा हो ना ही इज़ एन इंटेलिजेंट, तो ये गलत है, एंड इंटेलिजेंट के साथ बॉय भी लगा देना, फिर ये जो आपका एन है ना, ये बॉय के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बॉय किसी चीज़ का नाम ही है ना, ये लड़के का नाम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर होगी, एक तो आपने जो आर्टिकल है कॉमन नाउन के साथ यूज़ करना है, दूसरा आपने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ करना है, एडजेक्टिव के साथ इसको आपने यूज़ नहीं करना। एक बात आपने क्लियर कर लीजिए, एक बात आपकी ये क्लियर होगी कि इसको आपने कॉमन नाउन के साथ यूज़ करना है और एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं करना। अकेला एडजेक्टिव अगर आएगा तो फिर यूज़ नहीं करना, अगर एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन भी आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की आपने टाइप्स याद करनी है। आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक आपके पास है डेफिनेट आर्टिकल, उसको होता है द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। टोटल आपके पास तीन होते हैं, ये तीन जो आपके पास आर्टिकल है ये दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन जो है ये दोनों आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद हम देखते हैं जी आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ कहाँ कहाँ पे आपने करना है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करने का सबसे पहला जो रूल है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि आपने देखना है ऐसा लफ्ज़ या ऐसा वर्ड जिसकी आवाज़ अलिफ से शुरू हो, जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से शुरू हो ना, उससे पहले आपने एन लगाना है, और जिसकी आवाज़ अलिफ से शुरू नहीं होगी उसके से पहले आप ए लगाएंगे। नीचे फिर आपको मैं आपको बताता हूँ कि ए और एन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर यूज़ करना पड़े ए और एन को, तो आपने सिर्फ ये रूल याद करना है कि जिस लफ्ज़ की आवाज़ अलिफ से शुरू होगी उस पर हम एन लगाएंगे, और जिसकी आवाज़ अलिफ से शुरू नहीं होगी उस पर हम ए लगाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, आ टाई देखें, टाई जो है ये टे से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको आ लगाएंगे। आ बॉल, बी से शुरू हो रहा है, बेस की आवाज़ निकाल रही है, आ लगाएंगे। आवाज लगाएंगे क्योंकि ये वाउ से शुरू हो रहा है। आ स्टूडेंट, आ यूरोपियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PPSC में ये इसको 50 दफ़ा आ चुका है, यूरोपियन के साथ क्या लगता है। अब बच्चे क्या समझते हैं, ए ई आई ओ यू वाला कंसेप्ट याद किया होता है, वो कहता है जी ई आ गया तो ई के साथ एन लगा देते हैं, हालांकि ये गलत है। जो यूरोपियन होता है ना, ये से निकलता है, ये यूरोपियन ऐसे होता है, ये से शुरू होता है, ये अलिफ से ये यूरोपियन नहीं होता, ये यूरोपियन होता है, यूरोपियन, ठीक है। इसलिए आपने इसके साथ ए लगाना है या आ लगाना है, आपने इसके साथ क्या करना है, एन हरगिज़ नहीं लगाना, ये बड़ी पक्की बात याद कर लीजिएगा। उसके बाद एन एग देखें ये भी ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वाला ई ये की बात दे रहा था, ये वाला ई अलिफ्स की बात दे रहा था, इसके बाद अब एग लगेगा, ठीक है। एन एम एन ए, अब एम एन ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, अब ये एम से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये एम आपका वाउल तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप एंड लगाएंगे, इससे पहले आप क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, क्योंकि एम एन ए अलिफ से शुरू हो रहा है, एम एन ए अलिफ से शुरू हो रहा है ना, इसलिए हम इसके साथ एम एन ए के साथ एंड लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। ईयर, अब यहाँ पे ये भी बड़ा कन्फ्यूज है, बच्चे इसको ईयर पढ़ते हैं, हालांकि ईयर नहीं है, ये ईयर है, ये से होता है ईयर, ठीक है, ये ए लगेगा, ठीक है। एन ईयर, ये होता है और ये ईयर होता है अलिफ से, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एन ईयर, ये ईयर जो है ना, एच ई आई आर, ये भी आपका सक्सेसर के लिए यूज होता है, सक्सेसर के लिए बाद में आने वाला, ठीक है जी। ये एन ईयर, ठीक है जी, ये भी एन लगेगा। अब एन एक्सरे, ठीक है जी, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है, एन लगेगा। एन इंटेलिजेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन ओनियन, ठीक है, देखिए ऑनरेबल एच से शुरू हो रहा है, तो एच आपका वाउल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ भी एन लगेगा। मुझे उम्मीद है आप ये सारी एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें आ यूनिट,
अब AEIOU वाला कॉन्सेप्ट अगर याद किया हो तो यूनिट के साथ बच्चे फटाफट जो है ना एंड लगा देंगे, यूनिवर्सिटी के साथ भी एंड लगा देंगे, हालांकि आपने क्या करना होता है सिर्फ उसकी आवाज़ देखनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी पोजिशन ऑफ एन आर्टिकल। पोजिशन ऑफ आर्टिकल क्या होती है, आर्टिकल की पोजिशन कहाँ कहाँ पर आती है, आर्टिकल की पोजिशन हमेशा स्टार्ट पे आती है, स्टार्ट पे आती है सब्जेक्ट वर्ब के बाद, फिर आपने क्या करना होता है ऑब्जेक्ट से पहले आपने क्या लगाना है आर्टिकल लगाना। मीन्स के अगर जस्ट नाउन आ रहा है ना, अगर जस्ट नाउन आ रहा है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, अब देखिए जस्ट नाउन आ रहा है तो नाउन से पहले आपका आर्टिकल आ गया। अगर इंटेलिजेंट बॉय आएगा ना, इंटेलिजेंट बॉय, तो फिर इंटेलिजेंट से पहले आएगा एन इंटेलिजेंट, ठीक है जी, समझ आ गई है। मींस के जो आपका जो आर्टिकल है ना, अगर आपका सिर्फ अकेला नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल, अगर नाउन के साथ आपने कोई ऑब्जेक्टिव भी यूज़ करना है तो आर्टिकल ऑब्जेक्टिव से पहले आ जाएगा। अगर आपने तीन चीज़ें यूज़ करनी है ना, नाउन के साथ ऑब्जेक्टिव भी यूज़ करना है और ऑब्जेक्टिव को एलैबोरेट करने के लिए एडवर्ब भी यूज़ करना है, तो उससे भी पहले आपका आर्टिकल आएगा, ठीक है जी। आर्टिकल आपका आता सिर्फ नाउन के लिए है, लेकिन आता यह बिल्कुल स्टार्ट पे है जी, आपकी इसकी होती है पोजीशन, आर्टिकल की होती है जी पोजीशन, ठीक है जी। देखें ही इज आ राइटर, अब वो एक बंदा राइटर है, ठीक है जी। अब राइटर के लिए हमने आ लगा दिया, राइटर के लिए हमने आ लगा दिया, ठीक है। अब देखें, अब अगर हम लिखते हैं गुड राइटर, तो हम ये नहीं लिखेंगे ही इज गुड आ राइटर, ऐसे नहीं लिखेंगे, अब गुड से पहले ए आ जाएगा, मीन के आर्टिकल आपका पीछे की तरफ सिरकता जाएगा। अगर लिखना ही इज वेरी गुड राइटर, तो फिर वेरी से पहले आ जाएगा, ठीक है जी। मीन्स के आपका जो आर्टिकल है वो आपने स्टार्ट पे लगाना है, एडजेक्टिव से भी पहले और एडवर्ब से भी पहले आपने आर्टिकल लगाना होता है। उसके बाद जी ये आपके पास है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये आपने 10 इसके जो है ना, इसको आपने ये लेक्चर सुनने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने आंखें बंद करके चलते फिरते सोते भी जैसे कैसे भी आपने इसको आपने अपने माइंड में या अपनी उंगलियों के ऊपर इसके 10 यूजेज गिनने हैं, इसके 10 यूजेज आपने अपनी उंगलियों पे गिनने हैं। अगर आप ये आंखें बंद करके 2-4-10 दफ़ा 50 दफ़ा ये यूज़र गिन जाते हैं तो समझें कि आपका ए और एन पक्का हो जाएगा। नंबर वन क्या है जी, सिंगुलर नाउन, जब भी कहाँ कहीं पर सिंगुलर नाउन आ जाएगा ना, सिंगुलर नाउन आ जाएगा किसी अकेली चीज़ की, वाहद चीज़ की बात होगी, तो आप क्या लगाएंगे ए और एन का आर्टिकल लगाएंगे। अब ए और एन का आर्टिकल कैसे लगाना है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। अब ये जो 10 आपको बताने लगा हूँ ना, ये 10 सिर्फ वो है कि जहाँ पे आपने ए और एन लगाना है, इसके अलावा आपने एन ए और एन नहीं लगाना, ठीक है जी। ये सिर्फ वो है कि जहाँ पे आपका इनडेफिनेट आर्टिकल आना है। अब नेक्स्ट ए आना है कि एन आना है वो आपने ऊपर बात समझ ली है, वो आपने अलिफ की आवाज दे के ए और एन का फैसला करना है, ठीक है जी। आप इन 10 नंबर्स पे जो मैं 10 चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, इस पर सिर्फ फैसला ये होना है कि आपका इनडेफिनेट आर्टिकल आना है कि नहीं आना है। अगर आना है तो फिर क्या आना है, ए आना है कि एन आना है, ये फैसला आपने ऊपर वाली मिसालों के साथ आपने कर लेना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिंगुलर यूजेज, जब सिंगुलर नाउन यूज होगा, अकेले बंदे की बात होगी, फिर आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही हैज आकार, ही हैज आ कार, अगर कहता ना ही हैज कार्स, तो हम वहाँ पे कोई ना आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा चीजों के लिए आप बात करेंगे तो फिर आप इसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद शी हैज अ बॉटल, ठीक है जी। आई हैव एन इंक पॉट, ठीक है। ए कहाँ पे आना है, एन कहाँ पे आना है, वही बात ऊपर वाली आपने पक्की बात करनी है कि अलिफ से जो शुरू होगा, ठीक है जी। उसके बाद ही हैज एन अम्ब्रेला, ही हैज एन अम्ब्रेला, ही इज एन ऑनरेबल मैन, तो ये आपके पास फॉर सिंगुलर नाउन एक बात होगी। नंबर टू फॉर अननाउन, फॉर अननाउन ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते, उसके लिए भी आप आर्टिकल का यूज करते हैं। अननाउन से क्या मुराद है, कहता है जी आ मिस्टर असलम वांट्स टू टॉक यू, क्या मतलब है, जो बंदा फॉर एग्जांपल आपको आपका छोटा भाई, आपकी मिसिज या आपके वालदैन, कोई भी आपको कहता है जी बाहर कोई असलम है जो आपसे मिलना चाहता है। अब जो बंदा आपको बता रहा है ना, उसको नहीं पता कि मिस्टर असलम कौन है,
उस वो तो बाहर गया है, उसने जनाब दरवाज़ा खोला है या ऑफिस से बाहर गया है, उसने पूछा जी आप कौन है, उसने कहा जी मेरा नाम असलम है, अंदर जाके बताएं जी असलम आपको आपको मिलना चाहता है, तो वह आपको बताएगा जी वो कोई एक कोई असलम है बाहर जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है जी, अगर तो आप असलम को जानते हैं फिर तो आप नहीं कहेंगे आप मिस्टर असलम, फिर आप कहेंगे मिस्टर असलम इज वांट टू टॉक यू। अगर आप उसको नहीं जानते, जो बंदा बता रहा है जिसको वो मिलना चाह रहा हो सकता है वो उसको जानता हो, लेकिन जो ये बंदा बात कर रहा है ना उस वो नहीं उसको जानता, तो आप मिस्टर के साथ हम आ लगा देंगे, अननोन के लिए आप आ लगा देते हैं, आ मिस डोली वांट्स टू मीट यू। ठीक है जी, एक मिस डोली बाहर है जो आपसे मिलना चाहती हैं। दो बातें होगी जी, तीसरी बात है जी यूज इन सेंस ऑफ एनी एनी एनी, आपने क्या करना है जी आपने बहुत सारी चीज़ों में से उसको किसी को कहना होता है कि कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लें, आप किसी स्पेसिफिक बात की चीज़ की बात नहीं कर रहे, एनी की बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ एनी, यूज़ ऑफ एनी या यूज़ ऑफ एवरी, यूज़ ऑफ एनी या यूज़ ऑफ एवरी या ईच की सेंस में जब आप बात करते हैं ना, आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल आप क्लास में किसी बच्चे को आवाज़ मारते हैं जी मुझे पानी पिलाएं, तो आप क्या कहते हैं जी कोई बच्चा मुझे पानी पिला दे, पूरी क्लास में से आपने क्या कर दिया उनमें से कहा किसी को ये नहीं कहा कि मुझे अहमद पानी पिलाए, मोहम्मद मुझे पानी पिलाए या मुझे यासीन पानी पिलाए, हमने क्या कहा अब मुझे कोई बच्चा पानी पिला दे, तो उस पर भी आपने आर्टिकल का यूज़ करना है। फिर अगर कहना हो ना ईच और एवरी के लिए भी यूज़ करना हो कि हर बच्चा किताब खोले, हर बच्चा लिखे, हर बच्चा मुझे सुने, हर बच्चा जो है ना वो लेक्चर को नोट करे, तब भी आपने क्या करना होता है आपने ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। ए और एन का उनमें से किसका इस्तेमाल करना है वो बात आपको पता है, अलिफ से जो शुरू होगा एन लगेगा, अलिफ से जो शुरू नहीं होगा वो ए लगेगा। ही डिड नॉट गिव मी आ बुक, ठीक है जी उसने मुझे कोई बुक नहीं दी, समझ आ गई या क्लियर होगी बात। ईच के लिए आई गो देयर वंस अ वीक, ठीक है जी अब क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी के बाद अब हो रहा है ना कि हमने कि क्या जी हमने एक वीक में ज़रूर उसमें वहाँ पर जाते हैं, ठीक है जी क्लियर होगी बात। उसके बाद जी क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन के मुराद है आपने किसी चीज़ की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया, क्या जी कौ इज आ यूजफुल एनिमल, आप ये जो कौ है ना गाय गाय की पूरी कम्युनिटी को आप यहाँ पे जो है ना इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये वाली मेरी जो गाय है यही अच्छी है, नहीं पूरी की पूरी जितनी भी दुनिया के ऊपर गाय है ना उसी की आप बात करें, पूरी उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर भी आपने यूज़ करना है आर्टिकल। ठीक है जी, आ डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता जो है वो फेथफुल एनिमल होता है, तो जो ये पूरे के पूरे सारे कुत्तों की आपने डेफिनेशन कर दी है। ठीक है जी, ये पांचवी बात होगी। छठी बात आपके पास है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा बिल्कुल बच्चों वाली बात होती है। ठीक है जी, आई हैव अ बुक, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी आप प्लूरल बना सकें, जिसकी जमा बन सके, और जिनकी प्लूरल ना बन सके वो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपने क्या करना है, आई हैव आ बुक, आई हैव बुक गलत होगा, आई हैव आ बुक आपका ठीक होगा, ही इज डॉक्टर गलत होगा, ही इज आ डॉक्टर आपका ठीक होगा, समझ आ गई है जी क्लियर होगी बात। उसके बाद रेपिटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब रेपिटेशन क्या है जी, एक ही सेंटेंस में एक बंदे की बात बार बार हो रही है, एक बंदे की बात बार बार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी जो है ना जी जो अली अहमद है वो मेरा दोस्त है, अली अहमद मेरा मेरे मेरे दोस्त का नाम अली है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत जनाब रेगुलर है, वो बहुत फेथफुल है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत वो जो चीज़ें उसकी आप बता रहे हैं, मीन के एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ की बार बार जिक्र जब हो रहा है ना, फिर आपने क्या करना है आर्टिकल यूज करना है। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस ए और एन इज यूज, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना उसको यूज तो फिर ए और एन यूज करेंगे, उसके बाद जब जब भी उसकी बात करेंगे फिर द यूज करेंगे, फिर आप द यूज करेंगे। यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वाज वेरी हंग्री, कल एक बंदा मेरे पास आया था और वो बंदा बड़ा भूखा था। ठीक है जी, समझ आ गई है, मीन के जब जब भी रेपिटेशन होगी ना तो स्टार्ट पे आप ए और एन यूज करेंगे और एंड पे जब उसके बाद जब भी उसकी बात आती जाएगी फिर आप डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ लगाते जाएंगे। ठीक है जी, देर वाज आ किंग, पहले आपने आ लगाया, द किंग वाज वेरी ब्रेव, ठीक है जी, तो फिर आपने द लगा दिया, समझ आ गया जी। तो आपके पास ये छह बातें होगी, सात होगी, आठवीं बात है यूज बिफोर यूनिट्स आर काउंटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है जी, जो भी हम गिनती वगैरह जो आ जाए तो वहाँ पे भी आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। आई हैव आ डोजन एग्स, ठीक है जी, आई हैव डोजन एग्स ये गलत है, आ डोजन एग्स आपका ठीक होगा, क्लियर होगी बात।
उसके बाद आ जाती टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है वो किसी भी खास बंदे का नाम किसी आम बंदे को दे दिया जाए, जब किसी खास बंदे का नाम किसी खास चीज़ को के साथ मंसूब कर दिया जाए। कोई आम बंदा है उसको आप किसी खास बंदे के साथ मंसूब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाबर आजम, यू आर बाबर आजम ऑफ आवर स्कूल, आप हमारे स्कूल के बाबर आजम हो। अच्छी क्रिकेट को खेलता होगा ना, कहते हैं आप हमारे स्कूल के बाबर आजम। इसका मतलब है अब बाबर आजम एक खास बंदा है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक खास बंदा है। अब उस बंदे इसके साथ किसी आम बंदे को आप मंसूब कर रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को मंसूब कर रहे हो, तो फिर आप यू आर बाबर आजम गलत होगा, यू आर अ बाबर आजम, यू आर अ बाबर आजम। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। कायद आजम वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है जी। इमरान खान इज अ कायद आजम ऑफ 2024, क्लियर होगी बात जी। तो ये आप मुझे अभी तक आप कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, बिफोर द वर्ब यूज्ड एज नाउन, जब किसी वर्ब को नाउन के तौर पर आप यूज करते हैं तो फिर भी आपने आर्टिकल लगाना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ ही यूज हो सकता है। तो जब वर्ब नाउन की तरह यूज होगी ना, नाउन की जगह पर यूज होगी, इट मीन्स वो वर्ब वर्ब नहीं रही, वो नाउन बन चुकी है, इसलिए उससे पहले भी हम आर्टिकल लगाएंगे। ही प्रपोज डैट वी शुड गो फॉर आ फॉर वाक, ये गलत है, फॉर आ वाक, फॉर आ वाक। देखिए ना, वैसे जो वाक है ना, वाक तो आपके पास है, ये वाक वाकड वाकड या वाकिंग, ये सारी आपकी वर्ब्स होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आप वाक को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको फार आ वाक लगाएंगे, फार वाक यहाँ पे गलत होगा, फार आ वाक आप इसमें लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये 10 चीज़ें आपकी होगी जी, ये 10 के 10 नाम। अभी आपने आंखें बंद करके, तो पहले जी फार सिंगुलर नाउन, फार अननाउन, फार सेंस यूज इन सेंस ऑफ एनी या एवरी, फिर क्लास रिप्रेजेंटेशन, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर रेपिटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यूज बिफोर यूनिट्स एंड काउंटिंग एक्सप्रेशन वगैरह, टू मेक अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बिफोर द वर्ब्स एंड यूज एज नाउन। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, 10 की 10, इनको सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि आप इनका एग्जैक्ट यही अल्फाज याद करें, इनको पंजाबी में याद कर सकते हैं, उर्दू में याद कर सकते हैं, जैसे भी इनकी निशानी रख के आपने ये चीज़ें अपने इसको एग्जाम्पल के साथ आपने याद करनी है। ठीक है जी, उसके बाद है ओमिशन ऑफ ए एंड एन। ओमिशन का मतलब है जहाँ पे आपने ए और एन कभी भी यूज़ नहीं करना, ए और एन आपको लगा के दे देगा और आपने कहना जी नहीं ये गलत है, ये यूज़ यहाँ पे नहीं होता। क्या जी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ आपने नहीं लगाना, ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया, ही इज ऑनेस्ट, ये ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट, ये गलत है। किसी भी एडजेक्टिव के साथ, अकेला एडजेक्टिव हो ना, हाँ जी लगा होता ना, ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन लगा था, फिर आप उसके एन लगा सकते थे, लेकिन चूंकि ये इसमें नाउन मौजूद नहीं है, सिर्फ अकेला एडजेक्टिव है, फिर आप इसमें कोई जो है ना आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आ जी अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी आप जमा नहीं बना सकते, जिनकी आप जमा नहीं बना सकते, उसके साथ आपने नहीं लगाना। क्या जी, आ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ये गलत है। जो गोल्ड है ना, जो सोना है, वो हम ये नहीं कहते एक सोना, दो सोने या चार सोने या पचास सोने, सोना सोना ही है, एक तोला हो, पचास तोला हो या सौ तोला हो, सोना सोना ही होता है, ये अनकाउंटेबल है। इसके साथ आप किसी किस्म का कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है जी, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब आप आ किसके साथ लगा रहे हैं, मेटल के साथ लगा रहे हैं आप मेटल, तो मेटल की मेटल्स बन जाती है। ठीक है, समझ आ गया, आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके पास है जी आ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये गलत है। ठीक है जी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, समझ आ गया जी। तो चिल्ड्रन के साथ आपने क्या करना है, चिल्ड्रन आपके पता है ये, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके साथ कोई किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करना। उसके बाद आपके पता है जी डेफिनेट आर्टिकल। अब ए और एन की बात आपको होगी, मुझे उम्मीद है कि ए और एन आप क्लियर कर लेंगे, जो दो चार दफ़ा, 10 दफ़ा 20 दफ़ा ये लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे आंखें बंद करके, ए और एन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास आता है द, द क्या है जी, द आपके पास है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, ये इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन, ये मैंने आपकी लिख दिया, दी और द कहाँ पे होता है, इट इज़ दी एंड ऑफ द सेशन, दी आप आता है जिसके बाद कोई वाउल आता है, और द वहाँ पे आता है जिसके आगे आपका कोई कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है जी, उसके बाद, और उसके बाद आपके पास है जी द आपने कहाँ पर लगाना होता है, द आपने लगाना होता है जनाब द यूज बिफोर द नेम्स, कोई भी नेम आए ना,
कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम आ जाए, होली बुक्स का नाम आ जाए, कुरान हदीस वगैरह, ठीक है, माउंटेन रेंज का नाम आ जाए, प्लैनेट्स रिवर या ओशंस का नाम आ जाए, गल्फ ग्रुप ऑफ आइलैंड या डेजर्ट्स का नाम आ जाए, नेम ऑफ ट्रेन या होटल या शॉप का नेम आ जाए, नेम ऑफ कंट्रीज या स्टेट्स वगैरह का नाम आ जाए, फिर आपने क्या लगाना है, दाल गाना है, फिर आपने उससे पहले क्या लगाना है, दाल गाना है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या जी, दा ताजमहल, दा ताजमहल, देखे ना एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है ना, दा ताजमहल लगाया, दा इंडियन ओशन, दा क्राक्रम रेंज, दा रेड फोर्ट, दा हिमालय रेंज, दा कुरान, ये यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यानी स्टार्ट पे आपने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन का मतलब है कि ये कहाँ कहाँ पे दा आपने यूज नहीं करना, ये जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, इनके कुछ स्पेशल केस हैं जहाँ पे आपने दा यूज़ नहीं करना था, वो आपके पास होते हैं जी, वो है जी आपके पास पीक्स, मीन के किसी पहाड़ के साथ नहीं लगाना। मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया जी माउंटेन रेंज के साथ लगाना है, माउंटेन नहीं बताया, माउंटेन नहीं बताया आपने किसके साथ, ये देखे ना हिमालय रेंज, दा क्राक्रम रेंज, दा हिंदू कश रेंज, आपने पहाड़ी सिलसिले के साथ लगाना है, केटू के साथ या माउंट एवरेस्ट के साथ, नांगा पर्वत के साथ, मीन के अकेली पहाड़ी या पहाड़ के साथ आपने नहीं लगाना है। इसकी एग्जाम्पल देख लें जी, दा माउंट एवरेस्ट गलत है, माउंट एवरेस्ट अकेला आएगा, ठीक है जी, अगर तो पहाड़ी सिलसिले के नाम आए तो फिर दा लगाएंगे, अगर पहाड़ी सिलसिले का नाम बल्कि सिर्फ पहाड़ी का नाम आएगा फिर आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद द बेनजीज डाटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है जी, ये आपके पास डाटर ऑफ द ईस्ट, ये आपके पास ये बुक का नाम है ना जी, ये तो बुक का नाम है, क्लियर होगी बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको, आप ये एक्सेप्शन जो है ना, आपने क्या करना है, आपने पीक्स के साथ नहीं लगाना, ठीक है जी, और होली बुक विद आथर नेम, जब आपने जब बुक के साथ उसके आथर का नेम भी मौजूद होगा फिर आप दा नहीं लगाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बोला ना कि आपने किसी भी बुक के साथ दा लगाना है, किसी बुक के नेम के साथ दा लगाना है होली बुक्स के साथ, लेकिन अगर किसी बुक की राइटर का भी नाम साथ आए, राइटर का भी नाम साथ आ जाए तो फिर आपने नहीं लाना लगाना, ठीक है जी, समझ आएगी। ये नहीं आप कहेंगे बेनजीर दा डाटर ऑफ द ईस्ट, ऐसे नहीं कहेंगे, ये डाटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर ने लिखी थी ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है जब मुताला पाकिस्तान का, डाटर ऑफ द ईस्ट या दुख्तरे मशरक किसने लिखी थी, ये बेनजीर भुट्टो साहब ने लिखी थी, ठीक है, तो फिर आपने लिखेंगे, फिर उसका जो किताब के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास जी ये दूसरा इसका यूज है ना, नंबर वन आपके पास यूज आ गया जी दा का, ये आपने बिफोर नेम आपने करना होता है, ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी दा आपने लगाना है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन जो जब सिमत वगैरह होती है ना, दा ईस्ट, दा वेस्ट, दा नॉर्थ, दा साउथ, ठीक है जी, तो वहां पे आपने दा लगाना है, जस्ट नॉर्थ साउथ लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। फिर आपके पास है फिजिकल पोजिशन, फिजिकल पोजिशन के बाद से पहले भी आपने दा लगाना है, एट द टॉप, एट दी टॉप, एट टॉप लिखेंगे गलत हो जाएगा, एट बैक लिखेंगे गलत होगा, एट दी बैक लिखेंगे, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास है जी बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी से पहले भी आपने दा लगाना है, द मुस्लिम्स, द हिंदू, द जूस गलत है, ठीक है जी, द क्रिश्चियन, द क्रिश्चियन, ठीक है, द जूस ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी गलत मैं कह रहा हूँ, ये भी करेक्ट है, ये भी आप जूस भी यहूदी भी एक कम्युनिटी है ना, ठीक है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, किसी भी मजहबी ग्रोह का नाम लिखने से पहले आपने दा लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद बिफोर नेशनैलिटी, किसी भी बंदे की नेशनैलिटी जो है ना उसके सामने भी, जैसे पाकिस्तानी अकेला उन्हें लिखेंगे, ठीक है, दा पाकिस्तानी, दा इंडियन, दा इंग्लिश पीपल, दा फ्रेंच पीपल, ठीक है जी, समझ आ गया। एक्सेप्शन क्या जी, इफ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेशिंग वर्ड इज यूज एज काउंटेबल नाउन देन यूज इनडेफिनेट आर्टिकल, आई मेट अ यूरोपियन, ठीक है जी। आप देखिए ये आपके पास क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि नेशनैलिटी से पहले आपने क्या लगाना है, आपने दा लगाना है, लेकिन यूरोपियन क्या है, यूरोपियन यहाँ पे नेशनैलिटी है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप आ क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब है नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज एज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन अगर हो तो फिर आपने ए और एन ही लगाना है, ए और एन, यूरोपियन या यूरोपियन एक भी हो सकता है, यूरोपियंस ज्यादा मीन क्या, इसका आप क्या कहते हैं, इसका आप प्लूरल बना सकते हैं, इसका प्लूरल बना सकते हैं। आप देखे ना पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी का पाकिस्तानीज नहीं बनाते आप, पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही है, एक भी पाकिस्तानी है, 5 लाख भी पाकिस्तानी है, सारे के सारे पाकिस्तानी ही है, इंडियन, ठीक है, तो उसके साथ आपने नहीं लगाना होता, ठीक है जी। उसके बाद
आई मेट द यूरोपियन, ये गलत है। ये बहुत बच्चे बहुत बहुत गलती करके आते हैं पेपर में। वो क्या करते हैं, यूरोपियन के साथ दा लगा देते हैं। दा हमेशा कभी भी नहीं लगाना, दा के साथ यूरोपियन के साथ आपने आ ही लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद डोंट यूज़ बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले के नेम से पहले आपने दा यूज़ नहीं करना। द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये गलत है, ठीक है जी। द इंग्लिश, इंग्लिश एक ज़ुबान का नाम है ना, तो ज़ुबान के नाम से पहले आपने दा नहीं लगाना है, क्योंकि जी किसी ज़ुबान का जो नाम होता है वो कॉमन नाउन नहीं होता, वो प्रॉपर होता है। तो मैंने आपको बताया था आपका आर्टिकल जो है ना वो सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही यूज़ होता है। उसके बाद जी बिफोर द आर्म्ड फोर्स गवर्नमेंट ब्रांचेज पोलिटिकल पार्टीज़, ठीक है जी। जो आपने आर्म्ड फोर्सेज वगैरह के साथ लगाना होता है वो आपने दा लगाना होता है, पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी आपने दा लगाना है। ये आपके एक्सेप्शन थी ना सारी, ये एक्सेप्शन थी, ये आपने नहीं करनी। तो आपने दा की छठी जो आपकी यूजर है वो आपके पास है जी, आर्म्ड फोर्स के साथ गवर्नमेंट ब्रांचेज के साथ भी आपने दा लगाना होता है। दा आर्मी, ठीक है जी, दा एयरफोर्स, दा जुडिशरी, दा पीपल्स पार्टी, ठीक है जी। उसके बाद है सेवन नंबर पे, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी आपने दा लगाना होता है। दा तबला, ठीक है जी। आई हैव टू लर्न द पियानो, ठीक है जी। आई हैव टू बॉट द पियानो, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपने लगाना होता है। उसके बाद आई हैव टू बॉट अ पियानो, ये आपके पास करेक्ट आ गया, समझ आ गया जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, इसकी एक्सेप्शन आ गई, वी डू नॉट यूज द टी विद टी वी। अब मैंने आपको बताया ना तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपने दा लगाना है, लेकिन टी वी के साथ नहीं लगाना, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल केस है, टीवी के साथ आपने दा नहीं लगाना। उसके बाद बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स के साथ भी आपने दा लगाना है। आई द हेड, ठीक, द आईज, द लेग्स, ठीक है जी। आपने बॉडी पार्ट के साथ भी दा लगाना है, दा के बगैर नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास नाइन आपके पास आ गया, बिफोर द टाइटल आर द पोस्ट, किसी बंदे का ओहदा बयान करना या टाइटल लगाना फिर भी आपने दा लगाना, दा डायरेक्टर, दा चीफ मिनिस्टर, दा चीफ मिनिस्टर, दा जा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, आप लगाएंगे। फिर दसवां है जी, बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन नाउन इन अपोजिशन, क्या जी, मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर वाज ऑनेस्ट, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। आपने क्या करना है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना ये आपके पास है ना ये प्रॉपर नाउन है, और द लीडर आपके पास, लीडर तो आप लीडर तो कई हो सकते हैं ना, तो लीडर आपका कॉमन नाउन है, ठीक है जी। अब जब कॉमन नाउन के पीछे आपके पास कोई प्रॉपर नाउन होगा तो फिर आप क्या करेंगे, कॉमन नाउन से पहले आप दा लगा देंगे। बाबर आजम द क्रिकेटर इज लेजेंड, ठीक है जी। तो ये 10 आपके पास आगे दा के और 10 ही आपके आगे ए और एन के। तो आपने ऐसे ही करना है, आईज क्लोज करके पहले आपने 10 अपनी उंगली पे पूरे गिनने हैं ए और एन के, फिर 10 आपने गिनने हैं दा के, फिर आपने साथ साथ इनके एक्सेप्शनल केस भी अपने फिंगर्स पे गिन लेने हैं, इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर हो जाएंगे। केस ऑफ नो आर्टिकल, ये यहाँ पे आपने आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करना, तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और बंदे को पूछते हैं यहाँ पे आपको आर्टिकल लगा के दे देंगे, तो आपने याद कर लेना है। आपके पास जो है ना मैन, वूमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, जनरल साइंस, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, ये आपने किसी किस्म का आर्टिकल, इन चीज़ों के साथ आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता, आपने इन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करना होता। रियल पर्पज ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट एंड, इसके साथ भी आपने यूज़ नहीं करना। अब ये बात क्या है जी, इस ये बात थोड़ी सी क्लियर समझ लें, किसी भी चीज़ का रियल पर्पज जब यूज़ हो रहा था फिर आपने दा नहीं लगाना, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। क्या फॉर एग्जांपल, क्या जी, द प्रिजन वर कैप्ट इन द जेल, ये गलत है। अब जो प्रिजन है ना, जो आपके पास जेल, आप देखें ना, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात क्लियर कर लें कि ये जो दा है, ये जो दा है, ये जो दा लग किसके लिए रहा है, जेल के लिए लग रहा है ना, आपने नाउन के लिए दा लगाना है, पीछे आर्टिकल लगाना है। अब ये जो जेल है, इस जेल का इस सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है, प्रिजन रखने के लिए, प्रिजन रखने के लिए, तो जेल प्रिजन के लिए ही रखी जाती है जनाब, जेल प्रिजन के लिए ही रखी जाती है। इसका ये क्या है जी, ये इसका जनाब, ये इसका बेसिक पर्पज़ है, ये इसका बेसिक पर्पज़ है। जब किसी चीज़ का बेसिक पर्पज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपने दा नहीं लगाना। अगर आप उसको बेसिक पर्पज से हट के कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, क्या फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, ये तो आपने ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में टीचिंग ही होती है और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे, आई एम गोइंग टू बाजार फॉर शॉपिंग, ये ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको बात समझ आएगी। देखिए, अब जो मार्केट है ना, मार्केट फ्रेंड को मिलने के लिए तो नहीं ना होती, मार्केट का मकसद होता है शॉपिंग करना,
मार्केट का मतलब होता है शॉपिंग करना, मार्केट ऐसी जगह है। अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा रहे, किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने जो आपकी जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट है इसके बेसिक पर्पज़ को नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि उसके बेसिक पर्पज़ से हटके यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अगर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल का बंदा जा रहा है, तो वो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एज इलेक्ट्रिशियन मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, इसका मतलब है स्कूल का बेसिक काम तो पढ़ना पढ़ाना है ना, तो इलेक्ट्रिशियन का काम तो वो हट के आ गया ना, वहाँ पे आप डाल गएंगे, वहाँ पे आप डाल गएंगे। क्या जी, द प्रिजनर वर केप्ट इन द जेल, ये गलत है, क्योंकि प्रिजन का काम होता है, जेल का काम कैदियों को रखना होता है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ना कि आपके पास जो है ना, द गेस्ट वर केप्ट इन द जेल, फिर ठीक था, क्योंकि जेल में जो है ना मेहमान तो नहीं ना रखे जाते, जो जेल का फिर बेसिक पर्पज़ नहीं था बल्कि कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी वो चीज़, तो फिर हमने दा लगा देना है, फिर हमने दा लगा देना है। अगर उसके बेसिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे होंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको आप दा उस पर नहीं लगाएंगे। तो ये आपका आर्टिकल का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझा दूंगा। ए एन और दा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही आना है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।